हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर को। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है, इसके अलावा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं या टर्म्स यूज होती हैं उन सबको हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सी डेफिनेशन इस टॉपिक में से आती है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। पहले मिरर को समझते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर की तरफ जाएंगे। मिरर क्या होता है? मिरर बेसिकली एक ग्लास होता है जिसकी वन साइड पॉलिश होती है। जैसे आप मिरर जिसमें आप फेस देखते हैं उस वो ग्लास का बना होता है और उसकी बैक साइड जो है वो सिल्वर कोटिंग हुई होती है और उसके पीछे लेड ऑक्साइड की कोटिंग होती है, उसको हम कहते हैं मिरर, जिसको हम फेस देखने के लिए यूज करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेयर बेसिकली एक जैसे ये एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है जिससे गोल और अंदर से खाली। होलोस्फीयर की अगर हम बात करें, होलो का मतलब होता है खाली। होलोस्फीयर जिस तरह की फुटबॉल अंदर से खाली है और सर्कुलर गोल सा है, इसी तरह की एक गोल सरफेस जो कि अंदर से खाली हो उसको हम कहते हैं होलोस्फीयर। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये बेसिकली होलोस्फीयर का हिस्सा होते हैं जिसकी कोई एक साइड पॉलिश होती है, या इनर साइड या आउटर साइड। जैसे हमारे पास देखिए, ये एक होलोस्फीयर है जो कि ग्लास का बना हुआ है। इसको हम इस तरह से कट करते हैं टू पीसेस के अंदर। ये आप देख रहे हैं, एक ये वाला पीस और दूसरा ये वाला पीस, यहां से हमने इसको कट किया तो आपको इस तरह के टू पीसेस मिलेंगे, एक ये सरफेस मिलेगी और एक ये। इस सरफेस को अगर गौर से देखिए, ये प्याली नुमा सरफेस है इस तरह की, तो इसको हम, ये जो कर्व सरफेस है इसको हम या इनसाइड पॉलिश कर लेते हैं या आउटसाइड पॉलिश कर लेते हैं, तो ये एक मिरर बन जाएगा। क्योंकि ये मिरर एक स्फीयर का हिस्सा है इसलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये देखिए, ये स्फेयर था। स्फेयर क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक जिस तरह खाली बॉल होती है, एक बॉल अंदर से जो खोखली होती है खाली होती है, इसको हम स्फेयर कहते हैं। ये ग्लास का बना हुआ एक स्फेयर है जिसके दो पार्ट किए हमने। ये जो एक पार्ट हमने सेपरेट कर लिया, ये वाला है छोटा वाला पार्ट, इसकी अगर हम एक साइड पॉलिश कर दें तो ये स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसकी सरफेस एक होलोस्फीयर का हिस्सा हो और उसकी एक साइड पॉलिश हो। तो ये हमारे पास आ गया स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स हैं जस्ट उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं आपको। एक होती है कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। ये जो आपके पास ये सरफेस आई है, ये प्याली नुमा सरफेस, इसकी एक इनर कर्व सरफेस है ये अंदर वाली, और एक आउटर कर्व सरफेस है, ये एक इनर और ये वाली आउटर। अगर आप आउटर सरफेस को सिल्वर से पॉलिश कर दें और उसके ऊपर लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दें तो फिर इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। जैसे शीशा जिसमें आप फेस को देखते हैं उसकी बैक साइड पॉलिश होती है और फ्रंट साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, इसी तरह ये एक आपके पास स्फेरिकल मिरर है जिसकी आउटर साइड पॉलिश है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। और ऐसा मिरर जिसकी इनर साइड जो है वो पॉलिश हो और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो, ये आउटर साइड यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती हो और इनर साइड जो है वो पॉलिश हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। ये दो एग्जाम्पल है, इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह कर्व से शो करते हैं। ये जो हमने डार्ट लगाई है ये आउटसाइड पे, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है पॉलिश को, तो अंदर जो इनर सरफेस है वो सरफेस हमारे पास रिफ्लेक्टिंग होगी और ये जो आउटर सरफेस है ये आउटर सरफेस हमारे पास कहलाएगी पॉलिश सरफेस। अब इसको देखिए, इसमें इनर सरफेस जो है उस पर पॉलिश की हुई है सिल्वर की और उसके ऊपर लेड ऑक्साइड की कोटिंग, और आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी, तो जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है उसको कनकेव मिरर कहते हैं। अब कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो है उनकी डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं और उससे रिलेटेड टर्म्स जितनी भी इस्तेमाल होती है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कनकेव की बात करते हैं। अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी अंदर वाली साइड ये इनर सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग हो। देखिए केव किसे कहते हैं, गार को। तो जब आप किसी पहाड़ में जाते हैं तो गार किस तरह की होती है, यानी आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, ऐसे गार बनी हुई है और आप इस तरह इनसाइड मूव कर रहे हैं, ऐसे ही लाइट इधर से आ रही है, तो अगर उसको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास मिरर है ये कनकेव है। क्यों? ये केव लाइक स्ट्रक्चर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो केव लाइक है,
इसलिए हम इसको कहते हैं कनकेव यानी गार टाइप। तो दूसरा हमारे पास आ जाता है कन्वेक्स। कन्वेक्स अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी बाहर वाली है वो बुरी हुई सतह जो है ये वाली, ये सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी उसको हम कन्वेक्स कहते हैं, जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। अगर हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में आप देखेंगे कि जो कनकेव मिरर है वो इमेज का, उसमें जो इमेज बनता है उसका साइज डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर, यानी जिस चीज का इमेज आप बनाना चाह रहे हैं उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है इसका इमेज का साइज। और जबकि इसके अंदर बोथ रियल और वर्चुअल इमेज बनता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे, कुछ इसको ओवरव्यू यहां पर बताएंगे आपको इसके इस लेक्चर के एंड में, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा बात यह है कि जो अगर हम बात करें कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनता। थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि अगर लाइट रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, मीट करती हैं, तो उससे जो इमेज बनता है वो इमेज रियल होता है। अगर लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज ना करें बल्कि वो डाइवर्ज करें, लेकिन ऐसा मालूम हो कि किसी एक पॉइंट से निकल कर आ रही हैं, तो वहां पर जो इमेज बनेगा वो बेसिकली हमारे पास वर्चुअल इमेज होगा, रियल नहीं होगा। तो ये मैंने बता दिया कि इसके अंदर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बन सकते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनेगा। अब हम बात करते हैं इस रिलेटेड टर्म्स की। ये हमारे पास एक स्फीयर है, मैंने कनकेव और कन्वेक्स दोनों का एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया है। ये एक आपके पास स्फीयर था और इसका हमने इतना पार्ट जो है वो कट कर लिया। अब देखिए ये जो जिसको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ये पूरा बेसिकली इसलिए शो किया ताकि आपको पता चले कि ये जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर है ये बेसिकली इस स्फीयर का हिस्सा है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ये बेसिकली हमारे पास मिरर है। तो क्योंकि इसकी इनर सरफेस जो है वो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इनर सरफेस पॉलिश्ड है, तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और आउटर सरफेस पॉलिश है, तो ये हमारे पास कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी डिफरेंट टर्म्स की, तो ये एक यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। डिटेल से इन चीजों को बताते हैं, ये सब पॉइंट्स हैं अभी हम डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले बात करते हैं पोल की। तो ये जो आपके पास स्फेरिकल मिरर आ गया है, इस मिरर का ये जो कर्व का सेंटर है ये देखिए, ये इसका सेंटर, इस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं पोल। होता क्या, ये मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस का जो मिड पॉइंट है, दरमियाना पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। तो ये हमारे पास पोल आ जाता है। देखिए अगर ये इसकी बात करें, इसमें भी ये जो सेंट्रल एरिया है इसको पोल यानी पी से जाहिर किया गया है, इसमें भी ये जो सेंट्रल एरिया है मिरर का, मिरर के सेंट्रल एरिया को हमने पोल से शो किया है। फिर से सुने गौर से, ये मिरर हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट है, ये जो हमने डॉटेड लाइन से शो किया है ये इसलिए शो किया ताकि आपको पता चले कि ये इस स्फीयर का हिस्सा है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे और पॉइंट है जिसको डिस्कस करना था। मिरर सिर्फ हमारे पास यहां से लेकर ये इतना पार्ट है ये, तो इसका जो सेंटर बनता है वो ये पॉइंट है, इसको हम पोल कहते हैं। इसमें भी यहां से लेकर यहां तक ये मिरर है, तो इसको, इसका जो सेंटर है वो ये पी, इसको हम पोल कहते हैं। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ये मिरर इस स्फीयर का हिस्सा है, तो जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये देखिए ये वाला मिरर है और ये इस स्फीयर का हिस्सा है, तो जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास मिरर है, ये इस स्फीयर का हिस्सा है, इस स्फीयर का सेंटर ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह बहुत आसान डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये जो स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है यानी इस स्फीयर का ये हिस्सा है, उस स्फीयर के रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। देखिए यहां पर ये पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर के सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था। ऐसे ही ये मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर के रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो ये वो स्फीयर है, तो ये उस स्फीयर का रेडियस है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो है प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस एक एक लाइन है जो कि हमने दो पॉइंट को मिलाने से बनती है, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक ये पोल। देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने शॉर्ट ही लिखा है पी एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से सुने, जो पोल है ये हमारे पास पोल पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये भी बता देंगे कि कौन सा फोकस रियल होता है और कौन सा फोकस विर्चुअल होता है, किस तरह से ये बनते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक मिरर है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ये हमारे पास कनकेव मिरर की एग्जांपल है, इसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। हमने ऐसा करना है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट को इसके प्रिंसिपल किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देख रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो वो तमाम लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, जब वो इस पॉइंट से स्ट्राइक करेगी तो यहां से इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होंगी कि वो इस तरह बिखर जाएंगी। लेकिन इस तरह बिखरती हुई मालूम होगी कि जैसे ये किसी एक पॉइंट से निकलती हुई आ रही है। ये मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, देखें ये इस तरह बिखरती हैं कि किसी एक पॉइंट से आती हुई मालूम होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। लेकिन हकीकत में ये जितनी भी ये लाइट रेज हैं ये एक पॉइंट पर इकट्ठी नहीं हुई, बल्कि ये तो बिखर गई हैं। लेकिन ऐसा मालूम हुआ जैसे ये किसी एक पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है इससे निकल के आ रही हैं, तो उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। क्योंकि हकीकत में इस पॉइंट से निकल के नहीं आ रही, रियली ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इस फोकस को वर्चुअल फोकस कहते हैं। हकीकत में लाइट रेज इस पॉइंट से निकल के नहीं आ रही, इसलिए ये वर्चुअल फोकस है। अगर हम बात करें रियल फोकस की, तो देखिए ये हमारे पास जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज फेंकी हमने इस तरह से सारी, और वो जब पैरेलल रेज गई तो वो सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट के ऊपर एक्चुअली इकट्ठी हुई है। ये देखिए ये सारी रेज एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हुई, ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर जो सारी रेज ऑफ लाइट की पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी वो इस पॉइंट पर आके इकट्ठी हुई, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो क्योंकि इसमें एक्चुअली ये सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठी हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास रियल फोकस है। तो अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होता है? ये जो आपको पॉइंट जिसको हमने पी से शेयर किया, जाहिर किया, ये पोल है हमारे पास पी। तो ये पोल से लेकर ये फोकस पॉइंट एफ तक जो फासला है इसको हम फोकल लेंथ से शो करते हैं। ये देखिए यहां से हमने ये पैरेलल लाइन ड्रा की है, यहां से लेकर ये जो लेंथ है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। इसी तरह अगर हम इस लेंथ की बात करें तो इसमें भी ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो फिर से बता दें, अगर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो फोकस है वो रियल फोकस है। अगर रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करती बल्कि इस तरह डाइवर्ज करती हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी एक पॉइंट से निकल के आ रही हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, लेकिन वो फोकस वर्चुअल फोकस होगा।